जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का मौसम यार दुबई में बारिश हो रहा है रात से, और अभी जो है बारिश देखिए, अब जो देखिए मौसम जो है वो अभी भी मूड बना लिया है बारिश के लिए। देखिए पूरा बारिशी टाइप का मौसम हुआ है और रात से ऐसा बारिश हो रहा है, ये देखिए, और पूरा चारों तरफ पानी बहुत लगा हुआ है क्योंकि दुबई में बहुत बारिश हो रहा है। और अभी फॉल्ट बहुत ज़्यादा आएगा एसी में, क्योंकि बारिश का पानी जाएगा तो पीसीबी में फॉल्ट आएगा। तो मैं आया हूँ इधर ऊपर, ये 4 टन का एसी है, डक्टेबल एसी है ये, डक्टेबल का, और इसमें जो प्रॉब्लम आया है देखिए यहाँ पे, मैं पहले इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ऑफ है। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है ये देखिए, यहाँ पे इसका पीसीबी जो है वो फॉल्ट हो गया है, यहाँ पे ये पीसीबी का प्रॉब्लम आया है, पीसीबी फॉल्ट कर दिया है, इसमें यही प्रॉब्लम है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि ये जो एक पैकेज यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे जो ये पैकेज यूनिट है HU वर्क कर रहा है, ये HU जो है ये वर्क कर रहा है, इसका पैकेज यूनिट ये जो है ये वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको भी चेक करने वाले थे। तो जिसान भाई ये ओपन कर दिए, यही है क्या, है ऑफ हुआ है क्या, ये चालू करना पड़ेगा, ऑफ है ना, ऑफ ही है ना। अच्छा अच्छा, ऑन करें, एक मिनट रुक जाओ मैं चेक करता हूँ। और यही है, इसको बस हम लोग को चेक करना है, और जिसान भाई हमारे चेक कर रहे हैं। तो जिसान भाई कैसे हो, हाँ बढ़िया बढ़िया हो, हाँ ना बताइए, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है आपका, तबीयत सही है, तबीयत ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा आइए, मौसम का क्या कहना चाहते हो यार? मौसम में आज बारिश होने का संभावना है, संभावना है ना। अच्छा अच्छा यार, मौसम अच्छा है मतलब कि सही है, तो से जो है वो रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा मौसम रहे तो यार रमज़ान में रोज़ा रहने में कोई इशू नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ का दुबई का जो धूप है बहुत कड़ा धूप होता है। तो फाइनली अभी हम इसको पहले हम लोग अच्छे से इस पैकेज यूनिट को चेक करेंगे, और इसका जो प्रॉब्लम है वो कंपनी को बताएंगे, फिर कंपनी इसका सोल्यूशन करेगी, क्या करना है क्या ख़राब है सब इसको देखिए हम लोग को, सामान वामान मटेरियल, तो फिर इसमें हम लोग लगाएंगे। ये HU में हम लोग को बस ये चेक करना है कि इसमें जो बेल्ट होता है वो इसमें कोई तो नहीं गया है, और फिर ये भी चेक करना है कि कोई मोटर फॉल्ट तो नहीं है, ये चेक करना होता है, PPF करना होता है इसमें, तो यही सब चेक करना होता है, और इसका जो फिल्टर होता है उसको सर्विस करना रहता है। फाइनली हम लोग को बस देखना है कि इसमें कोई बेल्ट टूटा तो नहीं है, तो मैं इसमें खोल के सब देख लेता हूँ और आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो ये जो है इसमें का भी बेल्ट, अभी देखिए बेल्ट अभी टूटा नहीं है, और इसको खोल के देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे ये जो फिल्टर है इसका, यही फिल्टर है, इसको ओपन करते हैं और इसको भी खोलेंगे तो यहाँ पे भी एक फिल्टर लगा है, दो फिल्टर लगाए हैं दो साइड, और ये हमारा एवापोरेटर सिस्टम के पास का है। और यार यहाँ पे देखिए इसमें जो है यहाँ पे बेल्ट देखिए कैसे टूट गया है, ये देखिए बेल्ट को पूरा तोड़ दिया है ये सिस्टम, और ये है एवापोरेटर कॉइल। ये HU में बस यही सब रहता है, इसका काम बस होता है कि हवा को खींचना और फेंकना, और इसका कोई काम नहीं होता है, ठंडा गर्म से इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको हवा खींचता है और फेंकता है बस इसका यही काम होता है। और ठंडा जो करता है ये पैकेज यूनिट करता है इसको, इसमें जो ये एवापोरेटर आप देख रहे हैं यहाँ से ये है कि डक्ट के थ्रू
यहाँ से हवा से खींचता है और खींच के इसी डक्ट के थ्रू लेके जाकर और सारे जितने शोरूम लगा है नीचे, शोरूम है, वेयर हाउस है, सब में ये ठंडा हवा पहुँचाता है और गर्म हवा खींच के ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ से बाहर फेंक देता है। तो इसका काम यही है, बस ठंडा हवा को फेंकना और गर्म हवा को खींचना, यही काम करता है बस। तो अभी जो ये यूनिट है ये अभी ऑफ है, तो इसको हम लोग ऑन करेंगे, ऑन करके इसको फाइंड आउट करेंगे इसमें सप्लाई जा रहा है, पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब हम लोग इसमें ऑन करके उसके बाद मालूम करेंगे। तो सिंपली ये रहा, से ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया, ये देखिए यहाँ से हवा फेंकना स्टार्ट कर, अंदर का जो जितना हीट होता है वो यहीं से फेंकने स्टार्ट कर देता है। अब इसमें देखते हैं पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसान भाई पावर सप्लाई तो आ रहा है, हाँ ये आ रहा है। तो फिर इसको हम लोग चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने के बाद से फिर अपने कंपनी को बताएंगे। जिसान भाई क्या कर रहे हो यार, चेक कर लिए? तो इसमें हम लोग चेक किए हैं, तो ये जो HP स्विच है ये इसमें ये प्रॉब्लम आया है HP स्विच में, ये सप्लाई नहीं है, इनका इन हो रहा है पर आउट नहीं हो पा रहा है इसमें से, तो फाइनली यही प्रॉब्लम है इसमें। और ये सब सही है, यूनिट सही है, सब वर्क कर रहा है बढ़िया, बस उसी की वजह से सप्लाई नहीं आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट करके देखा तो ये देखिए यहाँ पे आइस कैसे आया है, कंप्रेसर बिल्कुल ठंडा हो गया है, एकदम ठंडा हो गया कंप्रेसर। और यार मौसम देखिए, मौसम का मूड ही नहीं चेंज हो रहा है, पर यार बहुत ही बेहतरीन मौसम हुआ है माशाल्लाह, एक नंबर का मौसम हुआ है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।